नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आज की स्टूडियो में हम बात करेंगे जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में रिक्रूटमेंट हो रहा है 2021 के लिए। और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में जो रिक्रूटमेंट होगा वो होगा 115 पोस्ट्स के लिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का मैं इस चैनल में, मेरे जो एकेडमिक यूट्यूब नाम का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, उस चैनल में आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के रिक्रूटमेंट के बारे में। जैसे कि हमें पता है, बहुत सारे लोगों का बैंक में काम करने का एक ड्रीम होता है, एक सपना होता है। तो यह आज सपना आपका सच होने जा रहा है और इस सपने के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि हमें पता है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इसमें रिक्रूटमेंट होगा और उस रिक्रूटमेंट के लिए 115 पदों के लिए, 115 पोस्ट के लिए वहाँ पे भर्ती की जाने वाली है। उसके बारे में आज हम जानकारी लेंगे। तो जानकारी देने से पहले, जो लोग इस चैनल में, मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं, उनके लिए मैं आज कुछ बात कहूँगा। ये जो रिक्रूटमेंट होगा वो होगा जिनका क्वालिफिकेशन कॉमर्स में है, बैंकिंग में है, MBA में है, जिन्होंने PhD कंप्लीट किया है, उनके लिए काफ़ी तगड़ा मौका है कि बैंक में काम करने के लिए उनको मिलने वाला है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। शुरू करने से पहले मैं आप सभी से दरख्वास्त करूँगा, अगर आप इस चैनल पर नए हो, अभी तक आपने ये मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ ही में यहाँ पे जो भी बेल आइकॉन दिख रहा है उसको भी प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि आपको इस प्रकार की वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपने आप मिलती रहेंगी। तो शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। जाने से पहले आपसे और एक दरख्वास्त, ये वीडियो आप अंत तक देखिएगा, ताकि आपको इस वीडियो के बारे में, इस रिक्रूटमेंट के बारे में पूरी जानकारी मिल सके। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो बिना टाइम गवाए और देखते हैं क्या है ये बैंक का रिक्रूटमेंट। जैसे कि हमें पता है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने 115 पोस्ट के लिए एप्लीकेशन मंगवाए हैं। सेंट्रल बैंक इंडिया में पता है, ये गवर्नमेंट का पब्लिक सेक्टर बैंक है और उन्होंने 115 पोस्ट के लिए एप्लीकेशंस मंगवाए हैं कॉमर्स बैचलर्स के लिए, बैंकिंग वाले बच्चों से और MBA वाले बच्चों से, PhD हैं उनको, उनसे ये एप्लीकेशंस मंगवाए हैं। तो देखते हैं क्या है ये डिटेल में। तो यहाँ पे हम देखेंगे, अगर हमें इस पोस्ट के लिए एप्लीकेशन करना है तो क्या है। जैसे हमें पता है, नंबर ऑफ पोस्ट है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 115। यहाँ पे एप्लीकेशन करने की प्रोसेस शुरू हो चुकी है 23 नवंबर से। 23 नवंबर से एप्लीकेशंस मंगवाए जा रहे हैं, और जो आखिरी तारीख है वो 17 दिसंबर तक एप्लीकेशन आप कर सकते हो। तो शुरुआत की तारीख है 23 दिसंबर और आखिरी तारीख है 17 दिसंबर 2021। उसके बाद हम देखेंगे हमें एप्लीकेशन कैसे करना है। जो हमें एप्लीकेशन करना है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है, और ऑनलाइन एप्लीकेशन करने के लिए हमें वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। बैंक का वेबसाइट मैं आपको आखिर में बताऊंगा, तब से उसके पहले मैं आपको दूंगा जानकारी इस जॉब के बारे में। तो ये है मेरे प्यारे दोस्तों, ऑफिसर जो भी पोस्ट है वहाँ पे, कौन कौन सी पोस्ट है जो जिसके लिए एप्लीकेशन मंगवाए जा रहे हैं। जैसे कि मैंने बोला, वहाँ पे 115 पोस्ट हैं, और वो 115 में ऑफिसर्स हैं, सिक्योरिटी ऑफिसर्स की पोस्ट है, रिस्क मैनेजर की पोस्ट है, फाइनेंशियल एनालिस्ट क्रेडिट ऑफिसर की पोस्ट है, इकोनॉमिस्ट की पोस्ट है, डाटा साइंटिस्ट की पोस्ट है, टेक्निकल ऑफिसर की पोस्ट है, लॉ ऑफिसर की पोस्ट है, इनकम टैक्स ऑफिसर की पोस्ट वहाँ पे है। और इसके लिए हम देखेंगे क्या है एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। अगर मुझे इकोनॉमिस्ट के लिए अप्लाई करना है तो मुझे मेरा जो भी बैचलर है बैंकिंग में, कॉमर्स में होना ज़रूरी है, साथ में 5 साल का एक्सपीरियंस भी होना ज़रूरी है और PhD भी होना ज़रूरी है। तो ये है इकोनॉमिस्ट के लिए क्वालिफिकेशन। उसके बाद अगर हम बात करेंगे इनकम टैक्स ऑफिसर की, तो उसके लिए हमें चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिग्री होना और साथ में 10 साल का अनुभव भी होना ज़रूरी है। उसके बाद हम बात करेंगे, अगर डेटा साइंटिस्ट के लिए मुझे अप्लाई करना है तो मुझे स्टैटिस्टिक, इकोनॉमिस्ट, मैथमेटिक्स, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स और कंप्यूटर साइंस में PG डिग्री होना ज़रूरी है, और साथ ही में 8 से लेकर 10 साल का अनुभव होना भी ज़रूरी है। तो ये है इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। उसके बाद अगर हमें फाइनेंशियल एनालिस्ट इसके लिए अप्लाई करना है, तो हमें CA, CMA और CWA जिसको हम बोलते हैं, और MBA में एजुकेशन होना ज़रूरी है, और साथ ही में 3 साल का अनुभव होना भी ज़रूरी है। तो ये है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। पोस्ट के हिसाब से मैंने आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में भी बोला है।
आपको याद होगा, अगर इस आप क्वालिफिकेशन में बैठते हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। और अगर हमें अप्लाई करना है तो कहाँ पे जाना पड़ेगा? अगर हमें अप्लाई करना है ऑल इस सभी पोस्ट के लिए तो हमें जाना पड़ेगा इस बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट पे, और ऑफिशियल वेबसाइट है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया .co.in। यहाँ पे जाके हम अप्लाई कर सकते हैं और ये अपॉर्चुनिटीज़ हम ग्रैब कर सकते हैं, इस अपॉर्चुनिटीज़ को हम मिला सकते हैं, उसमें सक्सेस ले सकते हैं। तो ये था वीडियो आज का, जिसमें हमने बात की सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के रिक्रूटमेंट के बारे में। मुझे लगता है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो लाइक करना ना भूलिएगा, साथ ही में ये वीडियो सबको आपके दोस्तों में, आपके रिलेटिव्स में शेयर करना ना भूलिएगा, ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। और सबसे बड़ी बात, वीडियो के बारे में कमेंट करना ना भूलिएगा, ताकि इस प्रकार के वीडियोज़ हम और भी बेहतर तरीके से बना सके। तो इसके लिए इतना ही, आने वाले वीडियो में और बात करेंगे और नया वीडियो लेके आपके लिए आएंगे। अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ ही में बेल आइकॉन प्रेस कीजिएगा, ताकि इस प्रकार की वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। आज की वीडियो में इतना ही, आने वाले वीडियो में देखेंगे और एक नौकरी के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं।